तो आखिरी चैप्टर में बच्चों आ चुके हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। और ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है, काफ़ी छोटा सा ही चैप्टर है और बोर्ड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। और थ्योरेटिकल ज़्यादा है, थोड़ा ही पॉइंट है इसके अंदर न्यूमेरिकल का, ठीक है। तो वंस दिस चैप्टर इज ओवर, आई विल सजेस्ट यू कि फिजिकल केमिस्ट्री से लगभग 8-9 क्वेश्चंस बच्चों हर बार आपके जेई मेंस में पूछे जाते हैं, जे एडवांस में से काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आप जरूर से ज़रूर क्वेश्चंस अब लगाना स्टार्ट कर दें पूरे कोर्स से, ठीक है। तो समझ में आ रही बात, तो एक पोर्शन ऑफ द केमिस्ट्री विल बी फिनिश्ड आफ्टर दिस जो है चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। इजी चैप्टर है, फिर से मैं बोल रहा हूँ इजी चैप्टर है, जितना पढ़ाएंगे उसी से आएगा आपके जेई एडवांस और जेई मेंस में, ये बात का ध्यान रखें जैसे कि आज तक हम बोलते आए। तो बस शुरू करते हैं बच्चों। इजी मैथ्स चैनल को बच्चों अगर आपने अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इसे भी सब्सक्राइब कर लें, ब्राइट बेन ट्यूटोरियल्स के ऐप को इंस्टॉल कर लें और वहाँ पर भी ऑसम कंटेंट का फ़ायदा उठाएं। फेज टू बच्चों लाइव होने जा रहा है कोर्स, कंप्लीट एलजेब्रा फॉर क्लास 11 प्लस डिटरमिनेंट, डोंट मिस दिस चांस। लाइव डेली पढ़ें 6 से 7 मेरे साथ, ठीक है बच्चों। और फिजिकल केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि दीज आर द चैप्टर दैट वी हैव फिनिश्ड, और आपके क्लास 12th के इतने चैप्टर हो चुके हैं। सरफेस केमिस्ट्री आज शुरू हो चुका है और इनऑर्गेनिक के अंदर मेटलर्जी भी बच्चों हम लोगों ने एक लेक्चर किया। जैसे ही सरफेस केमिस्ट्री ख़त्म करेंगे वी विल स्टार्ट विद द मेटलर्जी, ठीक है। तो चलिए सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए पहले हेडिंग डाल लेते हैं सरफेस केमिस्ट्री। तो क्या होती है सरफेस केमिस्ट्री? द स्टडी ऑफ वेरियस सरफेसेस। तो ध्यान से देखिएगा डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ वेरियस सरफेसेस एंड डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस taking place on the surface of solid or liquid, ठीक है। तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या मतलब है। तो देखो सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड इन्हीं की सरफेसेस होती हैं, गैस की तो सरफेस ही नहीं होती। तो वो सारे सरफेसेस की स्टडी, सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड। तो देखिए ये सारे सरफेसेस की स्टडी और जो भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस इन सरफेसेस पे होते हैं उसको सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। तो समझ गए, तो इस चीज़ की स्टडी को सरफेस केमिस्ट्री। हालांकि सरफेस केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन हम लोग यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, केवल एक प्रोसेस पढ़ने वाले हैं इन सभी प्रोसेसेस का। ओनली वन प्रोसेस वी नीड टू स्टडी एंड दैट प्रोसेस इज एडजॉर्प्शन गाइस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एडजॉर्प्शन। तो आपने एब्जॉर्प्शन पढ़ा होगा कि एब्जॉर्ब होना किसी भी चीज का, आज हम लोग एडजॉर्प्शन पढ़ेंगे। एडजॉर्ब होना किसी भी चीज का, एडजॉर्ब होना होता है कि सरफेस पे कोई चीज लग जाए तो उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो है बल्क में चली जाए। तो जैसे मान लीजिए कोई सब्सटेंस है गाइस, तो जो ऊपर की सरफेस होती है, ये सरफेस है सॉलिड अगर हमने लिया, ये सरफेस है, ये ऊपर की सरफेस है आपकी दिख रही है, और अंदर वाली चीज़ को बल्क कहा जाता है। ऊपर वाली चीज़ को क्या कहते हैं? सरफेस। तो सरफेस पे अगर चीज़ें एब्जॉर्ब हो तो उसे एडजॉर्प्शन कहते हैं, और पूरे बल्क में यानी कि अंदर तक चीज़ें चली जाए तो उसको एडजॉर्प्शन कहते हैं। तो क्लियर है, समझे ये बात को, बल्क मतलब और सरफेस मतलब तो समझ में आ ही रहा होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसकी डिफिनीशन कैसे बोली जाती है। तो अब देखिएगा, द इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस ओनली
एट द सरफेस ऑफ, ओनली एट द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस। ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन का क्या मतलब हुआ कि कंसेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस का इंक्रीज होना, कहां पर? दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे, सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस। इस फिनोमिना को एट द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस, ठीक है, इस फिनोमिना को एड्सॉर्प्शन कहते हैं। छोटी छोटी डिफिनेशन है, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आती हैं, तो याद कर लीजिए इसको। द इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस ओनली एट द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस एंड दैट इज नोन एज एड्सॉर्प्शन। अब देखिए, जो सब्सटेंस एक्यूमुलेट होता है, सो द सब्सटेंस एक्यूमुलेटेड, द सब्सटेंस एक्यूमुलेटेड इज कॉल्ड एड्सॉर्बेट। तो जो सब्सटेंस एक्यूमुलेट होता है उसको एड्सॉर्बेट कहते हैं। एंड द सब्सटेंस विच प्रोवाइड सरफेस, यानी कि जो ये सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड, सो द सब्सटेंस, तो जो चीज आपकी आके लग जाती है बाहर से सरफेस पे उसको एड्सॉर्बेट। भूलना नहीं है भाई, ये सब टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट है। एड्सॉर्बेट क्या है? जो सब्सटेंस आके चिपक जा रहा है सरफेस पे, ठीक है। द सब्सटेंस विच प्रोवाइड सरफेस, द सब्सटेंस विच प्रोवाइड सरफेस, जिसकी सरफेस पे आके एड्सॉर्बेट लग रहा है उसको एड्सॉर्बेंट कहते हैं। याद कर लोगे, इस कार्ड एड्सॉर्बेंट, क्या कहते हैं उसको? एड्सॉर्बेंट। तो जब सब्सटेंस एक्यूमुलेटेड, जो सब्सटेंस आपका एक्यूमुलेट हो जाए सरफेस पे उसको एड्सॉर्बेट कहते हैं, और जो सब्सटेंस एक्यूमुलेट, जहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, जो अपनी सरफेस दे रहा है एक्यूमुलेशन के लिए, उसको हम लोग एड्सॉर्बेंट कह रहे हैं। क्लियर है भाई? अब एड्सॉर्बेंट जो होगा वो तो या तो सॉलिड होगा या तो लिक्विड होगा, तो मोस्टली सॉलिड होगा। तो ये इसकी सरफेस है, बाहर वाली सरफेस है, डैश डैश से मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो समझे कौन है एड्सॉर्बेंट? जिस पे लग रहा है, जिस पे लग रहा है वो एड्सॉर्बेंट है। ये एड्सॉर्बेंट है, ये वाला सब्सटेंस। ये सॉलिड भी हो सकता है एंड इट कैन बी लिक्विड आल्सो। और जो बाहर की सरफेस है वो है एड्सॉर्बेट। वो क्या है? एड्सॉर्बेट, बाहर वाली सब्सटेंस। एंड नॉर्मली व्हाट हैपेंस कि गैस जो होती है वो ज्यादा आके चिपकती है, ठीक है। और मोस्टली ये क्या है? सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है, मोस्टली सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है, और ज्यादातर सॉलिड, और गैस ज्यादातर एड्सॉर्बेट होती है। तो एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा है। तो H2 गैस जो होती है वो एक्यूमुलेट करती है, एक्यूमुलेट्स ऑन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, उसको बोलते हैं SHE। तो वो क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, समझ गया? SHE। तो H2 गैस एक्यूमुलेट्स ऑन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड एंड दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अभी कैसे होता, क्यों होता है, उसका रीजन ये भी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि भाई क्यों होता है एड्सॉर्ब, कोई सब्सटेंस किसी के ऊपर क्यों होती है एड्सॉर्ब। तो हम लोग यहाँ पे प्लैटिनम का एग्जांपल ले रहे हैं, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस ले लिया, तो मान लीजिए कि उसकी जो ऊपर वाली सरफेस है वो कुछ इस तरीके से दिख रही है, बाकी के जो ये आपको दिख रहे हैं पार्टिकल्स वो बल्क में, बल्क मतलब अंदर, एक लेयर हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, फिर ऐसे हम लोगों लगाया, फिर यहाँ लगाया, फिर वहाँ लगाया, फिर कहीं लगाया, फिर यहाँ लगाया, फिर वहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया, फिर वहाँ लगाया, फिर कहीं और लगाया, फिर यहाँ लगाया,
फिर यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया और फिर से यहाँ लगाया। ठीक है, फिर से यहाँ लगाया। तो ये अब देखिए बल्क पार्टिकल, ये सब अंदर वालों को हम लोग क्या कह रहे हैं, बल्क पार्टिकल। अंदर वालों को क्या कह रहे हैं, बल्क पार्टिकल। और ये जो सबसे बाहर वाली सरफेस है, ये सरफेस के पार्टिकल्स हैं। अब इन पार्टिकल्स में अंतर क्या है, इस बात का समझना आप। जैसे मान लीजिए मैंने कोई बल्क का पार्टिकल ले रखा है, अंदर वाला पार्टिकल ले रखा है एक्स, तो इसको ये भी अट्रैक्ट कर रहा है भाई, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है और ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके कारण इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही है। एफ नेट इनका जीरो है तो ये खुश हैं अपने जीवन में। जब एफ नेट जीरो होता है तो चीज़ें इक्विलिब्रियम में होती हैं और उसे अब और भी कुछ जीवन में पाने की इच्छा नहीं होती, तो वो चारों तरफ से बैलेंस्ड है। जितने भी बल्क पार्टिकल्स, सो दे डोंट वॉन्ट टू एक्यूमुलेट एनीथिंग ऑन देयर सरफेस। अपने आप तो एटलीस्ट दे डोंट वॉन्ट, अब जबरदस्ती आप उसमें लगाने की कोशिश करें और जो सब्सटेंस लगा रहे हो अगर उसकी है ऐसी टेंडेंसी इनके अट्रैक्शन करने की, तो वो अलग बात है। अपने आप इनकी टेंडेंसी नहीं है कि ये किसी को एक्यूमुलेट करें, लेकिन बाहर के पार्टिकल्स को अगर देखें हम लोग, इसको पकड़ लेते हैं, इसको ये अट्रैक्ट कर रहा भाई, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, इस तरीके से ये सब अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि नीचे का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है लेकिन ऊपर की तरफ अट्रैक्शन नहीं है, जिसके कारण इनका एफ नेट जो है वो जीरो नहीं है। अभी इनका एफ नेट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अब इनकी टेंडेंसी रहेगी कि वो अपने एफ नेट को जीरो कर लें। तो एफ नेट को जीरो कब करेंगे, जब ये क्या करेंगे, और भी पार्टिकल्स को इधर लेकर आएंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जिससे कि ये भी इनकी से फोर्स लगाने लगे, ऐसे इनका भी अट्रैक्शन रहेगा। फिर जाकर जब ये लग जाएंगे तो एफ नेट जीरो होगा। तो यहाँ पर फाइनली फाइनली आफ्टर आफ्टर एड्सॉर्बिंग आफ्टर एड्सॉर्बिंग एड्सॉर्बिंग एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। तो यानी कि जो एफ नेट सरफेस पे जीरो नहीं था, एड्सॉर्ब होने के बाद फाइनली एफ नेट जीरो हो जाता है। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं एड्सॉर्बशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एड्सॉर्बशन। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। जो हमने पढ़ा समझ तो लिया ही आपने, पर लिखना भी जरूरी है। कॉपी में क्या लिखेंगे, फिर पढ़ेंगे क्या भूल गए दो। तो इन एड्सॉर्बेंट द एफ नेट ऑन अ बल्क पार्टिकल इज जीरो बट फॉर अ सरफेस पार्टिकल, सरफेस वाले के लिए एफ नेट जीरो नहीं, इज नॉन जीरो। ठीक है, नॉन जीरो है। हियर ऑल सरफेस, तो यहाँ पे क्या होगा, सारे सरफेसेस का, हियर ऑल सरफेस पार्टिकल्स have natural tendency to attract and hold adsorbate particles on the surface of on the surface of adsorbent। ठीक है भैया, तो समझ गए, एड्सॉर्बेंट पे एफ नेट ऑन द बल्क पार्टिकल जीरो है लेकिन सरफेस पार्टिकल पे एफ नेट नॉन जीरो।
तो सरफेस पार्टिकल हैव नेचुरल टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एंड होल्ड एड्सॉर्बेड पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट. सेंस इट इन्वॉल्व्स, सेंस इट इन्वॉल्व्स अट्रैक्शन, सेंस इट इन्वॉल्व्स अट्रैक्शन सो एड्सॉर्प्शन, सेंस इट इन्वॉल्व्स अट्रैक्शन सो एड्सॉर्प्शन कैसा प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट बात है, ये एक्सोथर्मिक होता है क्योंकि अट्रैक्शन इन्वॉल्व है भाई. तो ये आप ध्यान दें कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है क्योंकि भैया अट्रैक्शन इन्वॉल्व है तभी तो ये आया है. तो जब भी अट्रैक्शन इन्वॉल्व होता है एनर्जी कम होती है, एनर्जी कम होती तो निकालने की कोशिश करेगा एनर्जी को, और एनर्जी निकल रही है इसका मतलब प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक है. अब देखिए, अब क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो कम टेम्परेचर में वो उसके लिए सिचुएशन पॉजिटिव होती है, यानी कि प्रेफरेबल फेवरेबल कंडीशन होती है कि टेम्परेचर कम हो एक्सोथर्म. कल की भी क्लास में बताया गया आपको, कल का लेक्चर जो सॉल्यूशन का था उसमें बताया गया. तो ड्यू टू एक्सोथर्मिक इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर ये एक्सोथर्मिक है और टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस. तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एक्सटेंस ऑफ एड्सॉर्प्शन जो होता है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो टेम्परेचर बढ़ाने पे एड्सॉर्प्शन घटता है और टेम्परेचर को घटाओ तो एड्सॉर्प्शन बढ़ता है. ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. तो आई थिंक अब डिफरेंस तो आपको समझ में आ रहा है. एब्जॉर्ब करने का मतलब होता है कि अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए, बल्क में जाके भी एब्जॉर्ब हो जाए. जैसे चौक है, चौक में अगर आप जो है इंक डालते हैं तो वो इंक अंदर भी पहुंच जाती, वो एब्जॉर्प्शन है. लेकिन एड्सॉर्प्शन जैसे सिलिका जेल होता है, आपने देखा होगा कि कोई भी आप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की सामान खरीदते हैं तो उसमें कुछ कुछ पाउच रहते हैं, वो रहते हैं सिलिका जेल के, वहाँ एड्सॉर्प्शन होता है. वो अपने सरफेस पे वाटर के मॉलिक्यूल्स को, जो भी मॉइस्चर का कंटेंट रहता है उसको एड्सॉर्ब कर लेता है, जिससे कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो मॉइस्चर से बची रहे. क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात को समझने में? ठीक है. अब एक दूसरा प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं डिसॉर्प्शन. ये भी पूछा जा सकता है पेपर में, तो ध्यान रखना है आपको कि डिसॉर्प्शन क्या है. ये उल्टा है एड्सॉर्प्शन का. एड्सॉर्प्शन में पार्टिकल्स लग रहे हैं, डिसॉर्प्शन में पार्टिकल निकल रहे हैं. तो आप इसको याद रखेंगे कि इट इज रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन. मीन्स रिमूवल ऑफ, इसमें अब क्या होगा, एड्सॉर्बेट हटेगा. रिमूवल ऑफ एड्सॉर्बेट पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस ऑफ, अब निकलना है इसमें फ्रॉम द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट. ठीक है, तो एड्सॉर्बेंट लग रहा है, कहाँ लग रहा है, एड्सॉर्बेंट पे. तो उसका जो रिमूवल है फ्रॉम द सरफेस, दैट इज डिसॉर्प्शन. अब आखिर ये हट क्यों रहा है, तो अगर मैं बाहर की सतह की बात करूँ, बाहर के सरफेस की बात करूँ, तो ये पार्टिकल्स आपके जैसे यहाँ पे लगे हैं, तो इनमें कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन तो है नहीं. जितना अट्रैक्शन इनके आपस के पार्टिकल्स में है उतना अट्रैक्शन नहीं है. अब कोई नया पार्टिकल अगर आता है और इनसे टकराता है तो इनके यहाँ से हटने की संभावना बढ़ जाती है. ठीक है, समझ में आ रही बात. जब दूसरा टकराएगा कुछ फोर्स देगा और हो सकता है कि उस फोर्स की वजह से, क्योंकि अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग है नहीं इन पार्टिकल्स का विद द सरफेस,
तो ये निकल भी सकते हैं और उसकी जगह दूसरे पे। तो ये जो निकलना और लगना है, इनके बीच में इक्विलिब्रियम भी आता है कि नए पार्टिकल्स लगते हैं और पुराने पार्टिकल्स चले जाते हैं। तो जो जाने वाली प्रक्रिया है वो तो डिसऑर्प्शन है, और जो आने वाला प्रोसेस है वो एडसॉर्प्शन है। तो ये दोनों ही चलता रहता है, ये दोनों ही चलता रहता है, यानी निकलते भी रहते हैं और आते भी रहते हैं। तो निकलने वाली चीज़ को डिसऑर्प्शन कहा जाता है। भाई देख लिया, समझ लिया, कोई दिक्कत तो नहीं? तो यही पर यही बात आपको बताई गई है कि नहीं तो आप सोचोगे भाई निकल क्यों रहे, अभी तक तो आने की बात बता रहे थे। लेकिन इक्विलिब्रियम भी हर चीज़ में एस्टेब्लिश होता है। तो ये लगने की प्रक्रिया तो एड्सॉर्प्शन है और निकलने की प्रक्रिया डिसऑर्प्शन है। और एक समय ऐसा आता है कि इक्विलिब्रियम आ जाता है, जितने लग रहे होते हैं उतने निकल रहे होते हैं, तो नया पार्टिकल एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। तो वहाँ पर डिसऑप्शन की बात होती है, ठीक है, आप समझिए। तो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इनिशियली, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इनिशियली रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन पहले मैक्सिमम, पहले कोई पार्टिकल नहीं लगा रहता है तो शुरुआत में क्या होता है कि एड्सॉर्प्शन तेजी से होता है। एंड विद टाइम, अब जैसे जैसे सरफेस बढ़ती जाएगी, एफ नेट जीरो होता जाएगा, तो ये डिक्रीज होता रहता है। एंड विद टाइम इट डिक्रीजेस, ठीक है। तो इनिशियली रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन तेज रहता है और समय के साथ ही घटता है, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बिकम्स जीरो, ठीक है। तो अभी एंड इसको हटाते हैं, तो शुरुआत में रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन मैक्स है और समय के साथ घटता है। लेकिन शुरुआत में जब कुछ पार्टिकल लगा ही नहीं है तो डिसऑप्शन तो जीरो होगा, तो वो लिख लेते हैं। वाइल रेट ऑफ डिसऑप्शन, जो डिसऑप्शन होता है उसका जो रेट होता है वो जीरो होता है, एंड इंक्रीजेज, और वो धीरे धीरे इंक्रीज करता है विद टाइम, वो समय के साथ इंक्रीज करता है। क्योंकि अब जितने ज़्यादा पार्टिकल्स लगेंगे उतना ये निकलेगा। तो आफ्टर सम टाइम, भाई अब लगने और ये तो घट रहा है वो बढ़ रहा है, तो एक समय आएगा जहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम वगैरह पढ़ा ही, वहाँ पे फिजिकल इक्विलिब्रियम भी पढ़ा है। सो आफ्टर सम टाइम अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड। तो कुछ समय बाद एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम का वहां पर आता है, ठीक है, इज एस्टेब्लिश्ड। तो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम वहां पे एस्टेब्लिश हो जाता है, किसके बीच में, बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड डिसऑर्प्शन, इन दोनों प्रोसेसेस के बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है एस्टेब्लिश हो जाता है। अब देखिए, एब्सॉर्प्शन और डिसऑर्प्शन, अब यहाँ पे आप समझिएगा कि सॉलिड है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट गैस है। अब ये दोनों आइसोलेटेड है यहाँ पर, और जब यहाँ पर एस जी के साथ कंबाइन हो जाता सरफेस पे, दोनों अलग अलग हैं, इस पे लगेगा और ये लग रहा है, तो ये जब अलग अलग है तो ये एड्सॉर्प्शन हो रहा है। तो इधर की तरफ तो एड्सॉर्प्शन हो रहा है और इधर की तरफ क्या हो रहा है, डिसऑप्शन हो रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो एक्चुअली में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा भाई, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, यानी जितनी ज्यादा गैस होगी उतना ज्यादा
ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाने की कोशिश करेगा क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा हो। और भी चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि अवेलेबल सरफेस एरिया कितनी है, वो सारी भी बातें इंपॉर्टेंट है, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस पे रेट जो है डिपेंड करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास एडजॉर्बेंट है जो कि आइसोलेटेड है, अलग जब है, एडजॉर्बेट है वो भी आइसोलेटेड है, और जब एडजॉर्ब हो जाता है, जब ये एडजॉर्ब्ड हो जाता है, दैट इज कंबाइंड फॉर्म में। तो इधर देखिए आपका प्रोसेस एडजॉर्प्शन होता है और इधर की तरफ आपका डिसॉर्प्शन होता है। तो इधर एडजॉर्प्शन आगे की तरफ और पीछे की तरफ डिसॉर्प्शन होता है, ठीक है भाई। तो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट जब दोनों जुड़ रहे हैं और एडजॉर्प्शन प्रोसेस चल रहा है, एडजॉर्ब हो रहा है, तो वो एडजॉर्प्शन है, और इधर की तरफ कंबाइंड से अलग अलग होना इज डिसॉर्प्शन। अब तो नहीं भूलोगे। अब देखो डिफरेंस यहां पर हम लोग पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है कि एडजॉर्प्शन वर्सेस एब्जॉर्प्शन, ये भी काफी पूछ लिया जाता है कि भाई दोनों में अंतर क्या है, और अंतर पे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते पेपर्स में, और बड़ा ही मतलब जैसे कि आप देख रहे होगे कि कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी इसको समझने में, जितना आयनिक इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स, बड़ी बुद्धि लगानी पड़ती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, यहाँ आप बड़ा ही आनंद का अनुभव ले रहे होंगे, है ना, फीलिंग सो पायस, दिमाग में बढ़िया धीरे धीरे होले होले सब जा रहा है। तो एड्सॉर्प्शन जो है इज ऑब्वियसली अ डिफरेंट फिनोमिना, इज डिफरेंट फिनोमिना than absorption, because first absorption takes place only at the surface, है ना भाई। अंतर लिखना हो अगर आपको आएगा ही पेपर में अंतर लिखने के लिए बोर्ड के हिसाब से, नहीं तो फिर पॉइंट्स लिखे रहेंगे और उनमें पहचानना होगा आपको बाकी बोर्ड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन रहेंगे। तो एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस ओनली एट द सरफेस, व्हाइल एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस ओनली इनटू द बल्क में जाए तो उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन और इसको कहते हैं एड्सॉर्प्शन, ठीक है भाई। अब जैसे एग्जांपल लीजिए, एक दो कंटेनर लेते हैं हम लोग, ठीक है, दो कंटेनर ले लिए, दोनों बिल्कुल एक ही जैसे कंटेनर हैं, दोनों में वाटर के वेपर्स हैं, वो H2O गैस है, यहाँ पर भी H2O गैस है, ठीक है, वाटर के वेपर पर रहते ही है, और यहाँ पे हम लोगों ने सिलिका जेल ले लिया, सिलिका ले लिया, ठीक है। तो ये आप देखोगे कि वाटर के पार्टिकल्स यहाँ पर एड्सॉर्ब होंगे, ऐसे बाहर एड्सॉर्ब होंगे बाहर की सरफेस, तो ये एड्सॉर्प्शन का फिनोमिना है। और यहाँ कैल्शियम क्लोराइड जो कि एक ड्राइंग एजेंट होता है वो रखोगे तो ये सारे वाटर के पार्टिकल आपको अंदर मिलेंगे, अंदर, वो तो बाहर 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 हुआ था, ये बल्क वाला फिनोमिना है, एंड दिस इज ड्राइंग एजेंट, दिस इज नथिंग बट ड्राइंग एजेंट, एंड दिस इज व्हाट एब्जॉर्प्शन, और ये आपका एड्सॉर्प्शन है, एंड दैट इज एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो समझ में आए, तो इसको लिख देते हैं, कैल्शियम क्लोराइड है CaCl, तो ये अंतर है, डायग्राम बना देना। फिर सेकंड पॉइंट, दो पॉइंट का डिफरेंस हमें लिखना होता है,
सेकेंड इज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन विद टाइम. ठीक है, तो रेट ऑफ एब्जॉर्ब क्या देखा था, घटता है क्योंकि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एब्जॉर्प्शन का जो रेट होता है विद टाइम डिक्रीजेस, विद टाइम डिक्रीजेस. एक एक पॉइंट पता रहना चाहिए, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे. जबकि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जब आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं, विद टाइम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, टाइम रिमेन्स कॉन्स्टेंट बना रहता है, इसमें कम घटने का कोई बात नहीं, विद टाइम रिमेन्स कॉन्स्टेंट. जबकि एब्जॉर्प्शन में टाइम के साथ डिक्रीज होता है. क्लियर है? तो ये दो पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको, तो ये भी पॉइंट हो जाएगा. फिर उसके बाद आता है सॉर्प्शन. फिर कौन सा पॉइंट आता भाई, सॉर्प्शन. ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, एक लाइन में ख़त्म हो जाता है, इतना इंटरेस्टिंग है कि क्या बताया जाए. तो ये क्या कहता है कि भाई जब दोनों चीज़ें, नॉर्मली आप क्या देखते हो, ऐसा नहीं होता कि केवल बल्क पे, ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता कि सरफेस पे ना लगे, वो केवल बल्क पे लगे. तो जब बल्क में जाता है तो सरफेस पे भी लगता है, तो यानी कि दोनों प्रोसेस एक साथ हो तो उसको सॉर्प्शन कहते हैं. कभी कभी पूछ ही लेते भैया, इट इन्वॉल्व्स, इतना आसान, एक बार पढ़ लो ये चैप्टर तो हमेशा याद रहता है. ठीक है, इट इन्वॉल्व्स बोथ एब्जॉर्प्शन एंड, बोलो 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 बोलो, एब्जॉर्प्शन. तो एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन जब दोनों साथ में हो तो उसे सॉर्प्शन कहते हैं. ठीक है, मतलब कि मान लीजिए सरफेस है हमारी और ये अंदर बल्क है, तो बल्क में भी देखो पहुंच गया मटेरियल और सरफेस पे भी पहुंच गया मटेरियल. तो दोनों हो रहे हैं, जब दोनों, ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है अच्छा ये बी मिट जा रहा है मेरा, और ये आपका एड्सॉर्प्शन हो रहा है, पी पहले आ जा रहा है, एड्सॉर्प्शन. ठीक है, तो पहले स्पेलिंग सही कर ली जाए, जहाँ जहाँ ऐसा खतरनाक काम हुआ है. एड्सॉर्प्शन, 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 एब्जॉर्बशन, एड्सॉर्ब, एब्जॉर्ब. ठीक है भैया, बी लगा लेना, बी लगा लेना, एक बी मिस हो रहा था, और भी कहीं है क्या, बाकी सब सही कर लेना भाई, जहाँ जहाँ और आपको ऐसा. तो समझ गया इस ऑप्शन, बोलो भैया, जब दोनों हो तो उसको क्या कहते हैं, अब थर्मोडायनेमिक एनालिसिस. ठीक है, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. थर्मोडायनेमिक एनालिसिस ऑफ एड्सॉर्प्शन, तो एक चीज हम लोगों ने देखा कि इसमें अट्रैक्शन था, जिसके कारण जो डेल्टा एच ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन वॉज कमिंग. ठीक है, जो डेल्टा एच फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन वॉज कमिंग, दैट वॉज लेस देन जीरो, यानी कि एक्सोथर्मिक था. ऑल्सो ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन, ऑल्सो ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन, सिंस मूवमेंट ऑफ गैस, तो डेल्टा एच तो निगेटिव भाई, ये तो पहले ही बताया गया आपको. अब गैस का जो मूवमेंट है, एंट्रोपी की बात कर रहे हैं हम, तो जब एड्सॉर्प्शन होता है तो मूवमेंट ऑफ गैस बढ़ता है कि कम होता है भाई, वो चिपक गया तो उसका जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है. तो मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स जो है
जो रैंडमाइज बिहेवियर था वो कम हो गया, वो रुक गए क्योंकि वो चिपक गए तो बिकम्स रेस्ट्रिक्टेड, तो क्या हो जाते हैं, रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, रिस्ट्रिक्टेड। तो भाई क्या हो जाएगा, इनकी जो डेल्टा एस है यानी कि एंट्रोपी जो है एब्जॉर्ब्ड गैसेस पार्टिकल्स की, वो कम हो जाएगी, तो निगेटिव हो गई भाई। अब डेल्टा एच भी निगेटिव हो, डेल्टा एस भी निगेटिव हो, तो आपने पढ़ा होगा कि डेल्टा जी तो डेल्टा एच प्लस माइनस टी डेल्टा एस होता है। तो मैंने प्लस ऐसे लिखा, यहाँ पे माइनस टी लिखा, यहाँ पे डेल्टा एस लिखा। अब ये निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, लेकिन निगेटिव निगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो आप चाहते हो कि आपका डेल्टा एच निगेटिव हो, तो उसके लिए आपको ये क्वांटिटी, ये तो है ही निगेटिव, ये क्वांटिटी कम रखनी पड़ेगी। ये पहले भी पढ़ा है आपने थर्मोडाइनमिक्स के अंदर कि कौन सी कंडीशंस में क्या हो, यानी कि फेवरेबल कंडीशन एड्सॉर्प्शन की, जो कि पहले भी बताई जा चुकी कि लो टेम्परेचर होता है, जो कि अब हम लोगों ने यहाँ से देख भी लिया कि क्यों होता है केमिस्ट्री को यूज़ करते हुए। तो फेवरेबल कंडीशन फॉर एड्सॉर्प्शन इज लो टेम्परेचर, तो कम टेम्परेचर रखोगे तो फिर आपका एड्सॉर्प्शन जो होगा वो फेवरेबल होगा। ठीक है, अब कई बार आ जाता है कि व्हाट इज एड्सॉर्प्शन एंड व्हाट आर टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, तो पढ़िए टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। क्या पढ़ोगे अब, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, तो टाइप्स पढ़ेंगे। तो टाइप्स तो दो टाइप्स होते भाई, याद कर लेना, फिजियोसॉर्प्शन, अगर कुछ ना दिया हो तो हमेशा फिजियोसॉर्प्शन लेना है उसको, फिजियोसॉर्प्शन। और एक होता है केमी, केमिकल वाला, केमिस ऑप्शन। तो फिजिकल वाला केमी, फिजियोस ऑप्शन, केमिकल वाला केमिस ऑप्शन, तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो पॉइंट वाइज याद रख लीजिए, इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहे आएंगे, और बोर्ड एग्जामिनेशन में इनके बीच में डिफरेंस लिखने को आता है, तो फालतू की कहानी तो हम लोग करते नहीं, टू द पॉइंट बात करते बच्चों कि क्या क्या होता है। तो वीक वैंडरवॉल फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, वीक वैंडरवॉल फोर्सेस, भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही है, तो कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, वीक वैंडरवॉल फोर्सेस बिटवीन एड्सॉर्बेंट, जिस पे लग रहा है और जो लग रहा है एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, केमिकल बॉन्ड्स बनते, तो इधर जब डिफरेंस लिखोगे तो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, तो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट, ठीक है भाई। अब यहाँ पे जो डेल्टा एच एड्सॉर्प्शन की वैल्यू होती है निगेटिव तो होती है, मॉड इसलिए ले रहे हैं हम लोग, तो 20 किलो जूल से लेकर 40 किलो जूल तक, यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि भाई केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं, ज़्यादा अट्रैक्शन है, ज़्यादा अट्रैक्शन है, तो ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है ये, और हीट भी ज़्यादा रिलीज करता है, कितनी रिलीज करता है, 80 किलो जूल से लेकर 240 किलो जूल तक, ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है, जनरली मल्टी लेयर्स आर फॉर्म, एक लेयर नहीं बनता, एक से ज़्यादा लेयर बनते हैं इसके अंदर, जनरली मल्टी लेयर्स आर फॉर्म, क्योंकि वहाँ तो बॉन्ड बनाने, क्योंकि वहाँ बॉन्ड बनाने, बॉन्ड तो एक एक के बीच में ही बनेगा, तो यहाँ सिंगल लेयर, इट्स अ मोनो लेयर फिनोमिना,
इट्स अ मोनोलेयर फिनोमिना. तो लेफ्ट फॉर फिजियोस ऑप्शन एंड राइट फॉर केमिस ऑप्शन. तो इधर मैं पी लिख देता हूँ फिजियोस ऑप्शन और इधर केमी, है ना. तो चौथा डिफरेंस का पॉइंट क्या है कि रिवर्सिबल होता है, इसमें डिस ऑप्शन भी हो रहा होता है, बॉन्ड बन रहे होते हैं, बॉन्ड हट रहे होते हैं, तो ये रिवर्सिबल नेचर होता है. एड्सॉर्प्शन एंड डिसऑर्प्शन दोनों साथ साथ चलते रहते हैं. इसमें एक बार बॉन्ड बन गया भैया तो फिर टूटता नहीं है, फिर बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी. तो ये इरिवर्सिबल इन नेचर है, इरिवर्सिबल इन नेचर. पांच, नॉन स्पेसिफिक इन नेचर. कोई भी आके इसमें लग सकता है, इसको अपने एफ नेट को जीरो करने से मतलब है, ठीक है. तो नॉन स्पेसिफिक नेचर होता है, सबके साथ विद एवरीवन, ठीक है, सबके साथ विद एवरीवन. और ये हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होता है, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है. मतलब कि भाई केमिकल बॉन्ड ऐसा थोड़ी नहीं कि कोई किसी के साथ बना लेगा. तो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट स्पेसिफिक होंगे तब ऐसा बॉन्ड बनेगा. यानी कि किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के साथ ही बन सकता है जिनके साथ बॉन्डिंग हो पाए. क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनाना है ना. तो ये क्या है, फेवरेबल एट लो टेम्परेचर है, फेवरेबल एट लो टेम्परेचर. और ये क्या है, फेवरेबल एट रिलेटिवली हायर टेम्परेचर एज एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एज एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन, एज एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन. तो समझ में आया. तो ये तो देखा ही था, लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होता है और ये हाई टेम्परेचर पे फेवरेबल होता है, ठीक है. तो ये छः पॉइंट के डिफरेंस ध्यान रखने, मोस्टली आपको इससे क्वेश्चन मिलेंगे. और एक नोट भी ध्यान रखना है कि जो फिजियोसॉर्प्शन है ये आपका कन्वर्ट हो जाता है इनटू केमिसॉर्प्शन में ये कन्वर्ट हो जाता है. कब देख लो भैया, लो टेम्परेचर पे फेवरेबल, हाई पे ये, तो यही फिजियोसॉर्प्शन जो है कन्वर्ट हो जाता है केमिसॉर्प्शन में एट हाई टेम्परेचर, ठीक है. तो यहाँ तक क्लियर है, फिर से देख लो एक बार. वीक वैन डर वाल फोर्सेज है, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स हैं. डेल्टा एच याद कर लो इनका, 20 से 40, 80 से 240. मल्टी लेयर बनते हैं, एक लेयर बनता है, रिवर्सिबल होता है, नॉन स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक. ये सब बड़े ईजी हैं, छः और सातों पॉइंट याद करना एक सेकेंड का काम है, ठीक है. तो याद हो ही गया है. तो अब जे एडवांस 2011 का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है भाई. तो ये क्या कह रहे हैं, द करेक्ट स्टेटमेंट परटेनिंग टू द एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड सरफेस, ठीक है भाई. अब एड्सॉर्प्शन बोला है तो नॉर्मली वी विल बी थिंकिंग इट एज फिजियोसॉर्प्शन ओनली, ठीक है. तो एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, बहुत सॉलिड है, बिल्कुल सही बात है. अट्रैक्शन हमेशा इन्वॉल्व रहेगा, इसलिए एड्सॉर्प्शन जो है हमेशा एक्सोथर्मिक होगा, क्लियर है. फिजियोसॉर्प्शन में ट्रांसफॉर्म इनटू केमिसॉर्प्शन एट हाई टेम्परेचर, भाई करेक्ट बात है, अभी तो लिखा है हम लोगों ने,
फिजियोस ऑप्शन, क्योंकि ये लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होता है, ये हाई टेम्परेचर पे फेवरेबल होता है, एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह इन्वॉल्व रहता है केमिस ऑप्शन में बॉन्ड बनते वक्त, आपने देखा है, ठीक है। तो इसलिए सेकेंड पॉइंट भी ये मोर देन वन करेक्ट है, इसलिए ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। अब सी पे आ जाइए भाई, फिजियोस ऑप्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज बट केमी डिक्रीज, ऐसा कुछ नहीं है, अगर फिजियोस ऑप्शन बढ़ाना है तो टेम्परेचर को डिक्रीज करना है, पहले ही पार्ट गलत हो चुका है, बाय बाय कर दीजिए। केमिस ऑप्शन इज मोर एक्सोथर्मिक देन फिजियो, ये तो देखा ना उसका डेल्टा एच का वैल्यू, अब देखिए ज़्यादा था 80 वो ना, एंड हाउएवर इट इज वेरी स्लो, ये स्लो प्रोसेस है ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें बॉन्ड बनाने होते हैं और हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन्वॉल्व होती है, बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर हो गया ए बी एंड डी, ठीक है। तो ए बी एंड डी ये तीन आपके बिल्कुल सही और सत्यवान आंसर हुए। चलो भैया आप नेक्स्ट एक जे एडवांस 2013 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस देखिए किस तरीके क्वेश्चन जो है फिजियोस ऑप्शन और केमिस ऑप्शन के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो मेथिलीन ब्लू फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज एड्सॉर्ब्ड ऑन एक्टिवेटेड चारकोल एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो भैया इस पे एड्सॉर्ब्ड हो रहा है एक्टिवेटेड चारकोल पे, और कौन एड्सॉर्ब हो रहा है, मेथिलीन ब्लू। तो अब इसमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, अब ये तो क्या है मेथिलीन ब्लू और एक्टिवेटेड चारकोल के बीच में कोई रिएक्शन थोड़ी नहीं होती है, ये कौन सा फिजियोस ऑप्शन का पॉइंट है, यानी कि ये ध्यान रखिए कि दिस इज फिजियोस ऑप्शन, ठीक है। तो स्पेलिंग वगैरह देख लेना, तो एड्सॉर्प्शन रिक्वायर्स एक्टिवेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस, अब देखिए एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, जबकि ये फिजियोस ऑप्शन है तो उसमें ये नहीं हो सकता, ठीक है। एड्सॉर्प्शन इज एकम्पनाइड बाई डिक्रीज इन इंथैल्पी, डिक्रीज इन इंथैल्पी तो होता है भाई, सत्य घटना है, एक्सोथर्मिक होता है, उसी को इस तरीके से लिख रहे हैं। एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, नहीं भैया फिजियोस ऑप्शन जो है डिक्रीज करता है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तो दैट इज नॉट करेक्ट। केमिस ऑप्शन में इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, बट यू हैवंट रिटन एनीथिंग कि कौन वाला। एड्सॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज केमी वाला, और आपका जो फिजियो वाला है वो रिवर्सिबल होता है, तो क्योंकि तो एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, और जब भी एड्सॉर्प्शन लिखा है और अगर केमिस ऑप्शन नहीं लिखा है तो आप उसको एड्सॉर्प्शन को फिजियोस ऑप्शन जैसा ही ट्रीट करते हैं। तो ये दो क्वेश्चन करेंगे और अगली क्लास में हम लोग एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन किन किन बातों पे डिपेंड करता है वो करेंगे, ठीक है। मोस्टली चार लेक्चर में ख़त्म हो जाता है ये चैप्टर, तो पहला लेक्चर हो चुका है और 3 दिन बाद आप देखेंगे कि ये चैप्टर भी समाप्ति की घोषणा कर रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं आपसे, बाय बाय, कल। Have a great day.